एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल। आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों भक्ति आंदोलन पर लेख लिखिए। भक्ति आंदोलन क्या होता है ये उस पर हम डिस्कस करेंगे। भक्ति आंदोलन के जो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था वो उत्तर भारत में किस तरह से इसका उदय हुआ था, प्राचीन काल से लेकर हम जो आधुनिक काल तक के भक्ति आंदोलन के जो संत हैं, महात्मा हैं, जो धर्म सुधारक हैं, उन सबका डिटेल से अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों। और सबका ध्यान रहेगा बोर्ड के ऊपर। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम प्राचीन काल की बात करेंगे। प्राचीन काल में भक्ति जो शब्द है यहाँ पे एक प्रेम का और समर्पण का भाव होता है। यहाँ है प्राचीन काल। प्राचीन काल में सबसे पहले वैदिक काल के अंदर भक्ति काल का जो प्रधान रूप रहता है वो क्या रहेगा, वो यज्ञ प्रधान रहता है। और वैदिक काल के बाद अगर हम देखें तो वैष्णव धर्म और शैव धर्म कौन सा धर्म है, वैष्णव धर्म है। और वैष्णव धर्म के बाद यहाँ कौन सा धर्म है, शैव धर्म। यहाँ देखिए, वैदिक काल से हम इसको शुरू करेंगे। वैदिक काल का जो प्रधान या मूल आधार जो रहता है वो भक्ति का यज्ञ प्रधान रहता है। यहाँ वैष्णव धर्म में जो प्रधान रहेगा, जो भक्ति का प्रधान, भक्ति का वैष्णव धर्म में जो मूल आधार रहता है बच्चों, वो भक्ति प्रधान धर्म रहेगा। वो कैसा रहेगा, भक्ति प्रधान धर्म रहेगा। यहाँ शैव धर्म में भी क्या रहेगा, भक्ति प्रधान धर्म रहेगा। अब यहाँ यज्ञ प्रधान रहता है, 1, 2, 3, 4 है यहाँ पे। पहले नंबर पे ऋग्वेद आता है जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद के बाद सामवेद आता है, सामवेद के बाद बच्चों अथर्ववेद के बाद यजुर्वेद आता है। वेद कितने हैं, वेद 4 है। और वैदिक काल को हम कितने भागों में, 2 भागों में बांटते हैं। ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल। और बाद में जो परिवर्तन हुआ था, धीरे धीरे बाद में परिवर्तन हो गए थे, जो यज्ञ का जो स्वरूप जो था जो ऋग्वेदिक काल में था वो उत्तर वैदिक काल में और भी जटिल हो गया था। यहाँ जो भक्ति जो की जाती थी उसका आधार कैसा होता था, वो प्रकृति के देवताओं की उपासना करते थे। और प्रकृति के देवताओं की उपासना वो यज्ञ प्रधान भक्ति कहलाती थी। हवन करते थे, और हवन में क्या होता था बच्चों, खर्चा होता था। और बाद में उत्तर वैदिक काल में तो इतने जटिल हवन होने लगे थे, 24 घंटे हवन होने लगे थे। पशु बलि की प्रथा जो थी वो यहीं पर शुरू हो गई थी। और आहुति देने पर ही भगवान खुश होते हैं, देवता खुश होते हैं। इस तरह से वैदिक मंत्रों के उच्चारण से जो घर के अंदर सुख सुविधाएं और समृद्धि लाने का जो यज्ञ किया जाता था, जो हवन किया जाता था, वो वैदिक काल में भक्ति का जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो इस प्रकार से होता था। आज भी कहीं भी व्यवहारिक समारोह होता है या किसी मकान का उद्घाटन होता है तो भगवान श्री गणेश के नाम पर जो हवन किया जाता है उसको यज्ञ ही कहा जाता है। जो आहुति दी जाती है यजमान के द्वारा, और जो आहुति से जो लपटें निकलती है और जो प्रकृति को ये शुद्ध करती है, क्योंकि प्रकृति और मानव का जो है वो जन्म से ही एक गहरा रिश्ता होता है कि ये प्रकृति से ही मानव प्राणी ये चल रहा है। ये पूरी प्रकृति से इंद्रियों से ही मनुष्य प्राणी का जीवन चल रहा है ना। वायु अग्नि आकाश जो है वो इस यहीं से हमें सब मिल रहा है। हमें ये प्रकृति नहीं होगी तो ये मानव का जीवन भी नहीं रहेगा। और इस तरह से हमारी सांसें चल रही है, इन सांसों पर हुकूमत किसकी है, वो हमारी हुकूमत है। इन सांसों के दर्शक कौन है, हम खुद अब इन सांसों के दर्शक हैं। और अपनी ये जब ये सांसें निकल जाएगी तब ये समझ लेना है कि ये केवल देह शरीर जो है वो मिट्टी में राख में मिल जाएगा। और ये जो सांस है यही हमारा असली परमात्मा है, यही परमात्मा का नाम है। इसी परमात्मा को पाने के लिए हमें हमारे भीतर में जाना होता है, और हम अपने भीतर उतर कर हमें अपने ही आप को खोजना है। अपने आप को खोजने का ही नाम ही क्या कहलाता है, भक्ति कहलाता है। और जो जिस व्यक्ति ने ये रस पी लिया है, अपने आप में डूब गया, अपने भीतर चला गया, वो अपने सांसों को
सांसों का पर ही ध्यान दे रहा है, सांसें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है आ रही है जा रही है, सांसों के ध्यान में ही वो इतना आनंदित, इतना प्रफुल्लित, इतना इतना मगन हो रहा है कि परमात्मा का जो बीज है उसके अंदर फूटने लगता है। और जब वो परमात्मा का बीज उसमें जब फूटने लगता है तो मानव प्राणी को जो है, मानव प्राणी को एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसकी सारी जो जो परम शक्तियाँ होती है वो परम शक्तियाँ उसको प्राप्त होने लगती है, और उसको किसी भी तरह का जो है वो चाहत नहीं होती है, वो किसी तरह का संसार में बाह्य जगत से वो अपना संपर्क तोड़ लेता है और वो केवल अपने परमात्मा में ही जीने लगता है। यही इसी का नाम भक्ति कहलाता है बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो वैदिक काल के अंदर जो यज्ञ प्रधान था, यही यज्ञ प्रधान इसका स्वरूप पाया जाता है, इसका मूल आधार पाया जाता है। वेद चार थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद कहलाता है। और वर्ण भी कितने हैं, चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब वैष्णव धर्म में हम आते हैं तो वैष्णव धर्म में जो इसका आधार होता है वो भक्ति प्रधान होता है। वैष्णव धर्म में इसका और शैव धर्म में भगवान, वैष्णव में भगवान विष्णु की पूजा पर बल दिया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्तियां बनने लग गई थी गुप्त काल में, चरमोत्कर्ष काल पर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, लक्ष्मणगढ़ का मंदिर है, ईंटों का भीतरी गांव का मंदिर है, सिरपुर का मंदिर है और पार्वती का मंदिर है। यहाँ शिव धर्म का मतलब होता है शिव, शिव धर्म का क्या होता है बच्चों, शिव भगवान की पूजा। तो यहाँ आपने देखा होगा मथुरा, मथुरा में पंचवर्षणी वीरों का उल्लेख होता है। किसका, पंचवर्षणी वीरों का उल्लेख। ये पंचवर्षणी वीर जो है इनकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से की गई थी। किससे की गई बच्चों, भगवान श्री कृष्ण से की गई थी। यहाँ पंचवर्षणी वीरों का उल्लेख हुआ है। गुप्त काल में हम देखते हैं कि विलसड का अभिलेख, विलसड के अभिलेख में हमें विष्णु भगवान की मूर्ति का उल्लेख होता है। भीतरी स्तंभ लेख जो है, भीतरी स्तंभ लेख में भगवान विष्णु का उल्लेख होता है। यहाँ की भक्ति जो है वो एक सगुण के रूप में भक्ति करते थे, एक मूर्ति बना के और मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ के और उस मूर्ति के अंदर समा जाते थे। और उनको लगता था कि ये जो मूर्ति है यही साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति है और हमारा जो परम कल्याण इनके यहाँ हाथ जोड़ने से, प्रसाद चढ़ाने से, इनके प्रति समर्पण भाव, प्रेम भाव जो होता था उसी से हमें परमात्मा मिल जाएगा। ये जो भक्ति प्रधान स्वरूप होता है वो वैष्णव धर्म में होता है, इसी प्रकार शैव धर्म में भी यही स्वरूप पाया जाता है बच्चों। अब हम देखो मथुरा के अंदर, यहाँ एक भागवत धर्म है, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, भागवत धर्म जो भगवान विष्णु का धर्म कहलाता है वो भागवत धर्म कहलाता है। एक जगह एक विदेश से एक राजदूत आया था, उस राजदूत का नाम था हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। उसने एक गुरुड़ स्तंभ किसका, भागवत का प्रतीक कहलाता है। किसका प्रतीक कहलाता है बच्चों, भागवत धर्म का प्रतीक कहलाता है। भागवत का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम, भगवान श्री कृष्ण और बलराम। और ये भागवत धर्म का कौन था, हेलियोडोरस था, एंटियोकिड्स जो राजा था उसका राजदूत था ये। उस राजा का नाम था एंटियोकिड्स, ये यूनानी था, ये विदेश से आया था। अब विदेशियों ने भी भारत में जो भगवान श्री कृष्ण को मानने लगे थे। और अगर हम भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख करें तो मेगास्थनीज का नाम सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना है। मेगास्थनीज बीए बार फर्स्ट ईयर के अंदर जो बच्चों को मैंने ये पढ़ाया था, तब मैंने उनको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक मेगास्थनीज आया था और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी बच्चों, और उस किताब का नाम था इंडिका। इंडिका के अंदर भगवान श्री कृष्ण के लिए मेगास्थनीज हेराक्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हेराक्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं कि हेराक्लीज जो है ये भगवान श्री कृष्ण है। जैन धर्म में भी भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख होता है। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो आपने जैन धर्म में देखा होगा अरिष्टनेमी का नाम आता है। किसका नाम आता है बच्चों, अरिष्टनेमी, जो
जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे? 24। उसमें से अरिष्ट नेमी एक तीर्थकर जो थे, ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। ये किसके समकालीन माने जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। उपनिषदों में भी भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख होता है। उपनिषद में अगर हम बात करें बच्चों, तो उपनिषद में अंगिरस एक गुरु होते हैं, और अंगिरस जो है वो भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान देते हैं, तपस्या का ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो है धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। और ये अंगिरस जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं। ये किस में उल्लेख हुआ है? ये उपनिषद में उल्लेख होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चार वर्षणी वीरों के रूप में भी उल्लेख होता है। चार वर्षणी वीरों के रूप में, तो ये चार कौन है बच्चों? यहाँ पे पहला नंबर है संकर्षण, दूसरा नंबर है यहाँ पे प्रद्युम्न, और तीसरा नंबर है यहाँ पे प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। सांब है तीसरा नंबर और अनिरुद्ध है यहाँ पे चार नंबर। तो ये जो आज हमने ये जो एक भूमिका तैयार की है भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन की भूमिका में हमने शुरू किया था बच्चों, कहाँ से हमने इसको शुरू किया था? वैदिक काल से। यज्ञ प्रधान माना जाता है, वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। चार वेदों में जो वैदिक काल का जो स्वरूप रहता है, वैदिक काल का स्वरूप कैसा रहता है यहाँ पे? वैदिक काल का स्वरूप यज्ञ प्रधान स्वरूप रहता है। कौन सा? यज्ञ प्रधान स्वरूप रहता है। यहाँ वैष्णव धर्म का स्वरूप कैसा रहेगा? भक्ति प्रधान धर्म रहता है। शिव धर्म का कैसा रहेगा? भक्ति प्रधान धर्म रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के उल्लेख हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? मथुरा से भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है, और इसके अलावा विलसड का एक गुप्त काल में अभिलेख है, वहाँ से भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है। मथुरा से पंचवर्षीय वीरों का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म का उल्लेख हमें मिलता है। शिव धर्म में भगवान शिव की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में अलावार और नैनार नाम से जो है शिव धर्म और वैष्णव धर्म की चर्चा की जाती है। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें हेराक्लीज शब्द का प्रयोग मिलता है, और गरुड़ स्तंभ ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण यानी बलराम और भगवान श्री कृष्ण का भाग के ने इसको भेजा था। तो ये जो आप देख रहे हो बच्चों ये, और जिस तरह संकर्षण जो भगवान श्री कृष्ण का एक संकेत माना जाता है, प्रद्युम्न है, सांब है, अनिरुद्ध है, ये सारा जो इतिहास है, ये जो प्रूफ मैंने आपको बताया आज, आप मेरे विचारों से सहमत होंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। आगे कल फिर हम आप नेक्स्ट क्लास लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।